ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लॉकडाउन में ही रीजनिंग का सिस्टमेटिकली सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग करते हुए अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, बीच में एनालॉजी क्लासिफिकेशन छूटे, डायरेक्शन क्लासिंग में होते, ब्लड रिलेशन के बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सिलेबस जैसा दिया गया है तो सिटिंग अरेंजमेंट, इसके बाद रैंकिंग है, उसके बाद मिक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, तो जनरली ये इस पार्ट से क्वेश्चन आपका सेकेंड फेज एग्जाम में पूछे, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट पर भी रहते हैं। इसको आप अधिकतर देखते हैं स्टूडेंट लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पजल पूछा, पजल पूछा, पजल ज्यादा पूछा या कम पूछा, या पजल कभी कभी नहीं बनते हैं, सेट नहीं हो पाते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, पजल पजल को ही हम लोग आपके सिलेबस में अरेंजमेंट नाम का, अरेंजमेंट वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट को हमने तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सिलेबस में। देखोगे तो ये पजल नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं लिखा मिलेगा, सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएंगे, और उसके बाद के जस्ट इसके बाद सिलेबस में आप देखोगे तो रैंकिंग लिखा हुआ रहेगा, रैंकिंग अरेंजमेंट। सिटिंग और रैंकिंग को मिक्स कर दिया जाता है, तो मिक्स कर दिए जाते हैं, तो मिक्स करके होते हैं, तो उसको हम लोग मिक्स अरेंजमेंट बोलते हैं। ये तीन प्रकार के अरेंजमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, और तीनों को अगर मिला दिया जाए तो एक एक सिंपल फोल्डर में डालेंगे, तो इसको हम लोग पजल भी कहते हैं। कुछ बुक्स और मैगजीन या डिस्कशन के दौरान पजल वर्ड का भी इस्तेमाल हम देखते हैं। ठीक है, पजल में होता है क्या, जैसे आप सिंपली हम कहना चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे घर में छोटे बच्चों को, अभी देखते होंगे, आप भी बच्चे थे उस समय भी आप ये गेम खेले हुए हो, जैसे पजल देखते होंगे, कुछ बोर्ड वगैरह कुछ देखते होंगे कि पजल का आप खरीदने जाते हो दुकान में किसी को गिफ्ट देने के लिए, या बच्चों को देखते हो खेलते रहते हैं, प्लास्टिक का छोटा छोटा टुकड़ा रहता है उसको मिलाते हैं, या नहीं तो आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि आप देखते होंगे कि एक आपको बंडल में मिलता होगा, कार्डबोर्ड का टुकड़ा टुकड़ा करके मिलता होगा, वो बंडल रबर से खोलते होगे, उसके बाद एक सीट मिलता होगा, उस जैसा आपको ये सारे सारे स्टिकर कटे कटे रहते हैं उसको लेके मिलाना होता है, और जब तक नहीं मिलता है तब तक आप प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो वही पजल कहलाता है, वो पजल गेम हो गया, वो पजल आपका क्या हो गया, गेम के रूप में उसको बोलते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार रहते हैं, रैंडमली अभी तक जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे हम अल्फाबेट कोडिंग कोडिंग या जो भी डायरेक्शन ऑफ वर्ड्स है, स्टेप बाय क्वेश्चन दिए रहते थे, उन सबको प्रॉपर पढ़ते जाते थे अरेंज किए, लेकिन यहाँ पर रैंडमली क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन दिए रहते हैं, रैंडमली क्वेश्चन रहते हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो उसको कैसे अरेंज करेंगे उस बातों पर जानना बहुत सिंपल है। हम जो क्वेश्चन में लिखा हो रहा था वो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, आराम से उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आगे हम बात करते हैं। देखो ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें होता है क्या, जैसे सिटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे पजल में सिटिंग की बात कर रहे हैं, तो सिटिंग सिटिंग में इसमें हर एक क्वेश्चन में सिटिंग की बात होती है, इसीलिए इसको इसको अलग करके हमने क्या किया, सिटिंग अरेंजमेंट रख दिया, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, तो कहा जाता है कि 5, 6, 7, 8 कुछ भी कहा जाता है, ABCDEF आर सिटिंग ऑन ए वॉल फेसिंग द, या सिटिंग इन ए क्लास फेसिंग द टीचर। तो आप फेसिंग की बात करता है, तो यहाँ पर समझ लो ABCD लिखा रहता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं किसी सीक्वेंस में कि ए यहाँ बैठेगा, बी यहाँ, सी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बात समझ रहे हो ना। तो वो जैसे आगे इंस्ट्रक्शन कहेगा वैसे काम करेंगे, तो नॉट इन द सेम ऑर्डर। जैसे कहा जाता है ABCD सिटिंग इन ए क्लास फेसिंग द टीचर, लेकिन वहां पर लिखा ये नहीं भी लिखा हुआ है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, फिर भी हम उसको, तो तब पर नहीं भी लिखा हो तो भी हम नहीं मान के चलेंगे कि सेम ऑर्डर में ए के बाद बी बैठेंगे, सी बैठेंगे, डी, आगे जैसा इन्फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंगली बैठेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली बात ये ध्यान देने की बात ये है कि कहता है कि फेसिंग की बात हो, तो आपका जो फेस है, आपका फेस है, अकॉर्डिंगली उसका भी फेस हम लोग रखेंगे। जब तक कोई अगर मेंशन नहीं किया गया, मेरा फेस किधर है, इधर है, हम लोग का फेस क्या है, इधर है बैठे हुए, तो उन सबों का ही फेस हम उधर मानेंगे। तो जैसे फेसिंग या कहता है फेसिंग ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का फेस कहता है, तो ब्लैक बोर्ड जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं वैसे ही समझेंगे, हम यहाँ बैठ के क्वेश्चन बना रहे हैं तो मेरा फेस इधर है, तो मेरे सामने क्या होगा, ब्लैक बोर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें जो बात होगा, तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, तो लेफ्ट साइड कहा जाए तो फ्रॉम लेफ्ट, इसके बाद हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा फ्रॉम लेफ्ट इस्तेमाल होगा, तो लेफ्ट आप जानते हो, लेफ्ट साइड जो आप, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा लेफ्ट साइड इधर है, तो इधर से लेफ्ट की बात करेगा, राइट से बात करेगा तो इधर से करेंगे, फ्रॉम राइट कहेगा तो राइट साइड क्या होगा, इधर होगा। लेकिन अगर टू द राइट, फिर देखो यहाँ पर फ्रॉम, अगर फ्रॉम लगे हुए जैसा कि हम अल्फाबेट में पढ़े थे, फ्रॉम लेफ्ट कहा गया तो लेफ्ट साइड से, अगर फ्रॉम राइट कहा जाता है तो किधर से देखेंगे, राइट साइड से।
राइट से तीसरे स्थान पर है या चौथे स्थान पर है तो राइट साइड क्या होगा, इधर से देखेंगे। अगर लेफ्ट से कहता है पांचवें स्थान पर है तो इधर से 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे। लेकिन टू द लेफ्ट की बात होता है, राम इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, टू द लेफ्ट कहा जाता है, टू द लेफ्ट कहा जाएगा। तो टू द लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इसके लेफ्ट में जाना, टू द लेफ्ट हो गया तो जहाँ कोई बैठे हुए हैं इसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, इधर बैठा हुआ। और टू द लेफ्ट कह रहा है और टू द लेफ्ट कह रहा है, अगर टू द राइट कहता तो क्या होता, टू द राइट कहेगा तो क्या हो जाएंगे, टू द राइट कहेगा, टू द राइट कहा जाएगा तो क्या हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे। तो बात आप समझ गए, फ्रॉम लेफ्ट मतलब इधर से, फ्रॉम राइट है, अगर टू द लेफ्ट कहा जाए तो टू द लेफ्ट कहा जाए तो इधर हो जाएंगे, टू द लेफ्ट कहेगा तो इधर, टू द राइट कहेगा तो क्या होगा, ये राइट इधर दीजिएगा, टू द राइट होगा। जो पढ़े हम यूज करते हैं वही बात इसमें भी यूज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है, या कहता है सिंगल लो में बैठा। अभी हमने देखा क्या कहा, सिंगल लो में बैठा है। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में कहते हैं कि ए बी सी डी ई, यहाँ कह रहा है ए बी सी डी और ई पांच व्यक्ति हैं सिटिंग इन ए क्लास फेसिंग द टीचर, ठीक है। और ये कहता है ए एंड ई इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, कहता है ए और ई कहाँ है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ठीक है। ए एंड ई मतलब कि ए को यहाँ नहीं बैठना और ई को यहाँ नहीं बैठना, ठीक है। बाद जब ये कह दिया, ठीक है। अब कहता है सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई। अब कहता है सी ए और ई का पड़ोसी है, तो ए यहाँ भी, सी को हम अगर यहाँ रखते हैं क्योंकि यहाँ देख रहे ए और ई को कह रहा है एक्सट्रीम इंड पे नहीं होगा, तो यहाँ तो ए नहीं होंगे, यहाँ भी ई नहीं होगा, एक्सट्रीम इंड पे नहीं है तो कहाँ होगा, यहाँ ये तीनों में से किसी एक्सप्रेस हो सकता है। अब कह रहा सी ए और ई का पड़ोसी है, ठीक है, सी ए और ई का पड़ोसी है, तो सी तो बीच में बैठने पड़ेंगे और ए को यहाँ बैठने पड़ेंगे क्योंकि कॉर्नर में तो ना तो ए होगा ना तो ई होगा। अब देखो ना, उसके बाद कहता है ए ए एंजॉय, ये यहाँ पर कहता है बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब कहता है बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ऐसे कंडीशन में बी ए के इमीडिएट लेफ्ट में, तो कन्फ्यूजन था कि ए को यहाँ भी रख सकते थे या ई को यहाँ भी रख सकते थे, क्योंकि सी पड़ोसी है ए और ई का, तो ए और ई दोनों में से किसी स्थान पर हो सकता था पड़ोसी होने के कारण। लेकिन अब कह रहा है कि बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तब इससे कंफर्म हो गया है कि बी ए के लेफ्ट में है तो ए को तो हम यही बैठाएंगे, क्योंकि अगर ए को यहाँ बैठाएंगे तो इसके लेफ्ट में तो सी हो जाएगा। बी इमीडिएट लेफ्ट ए लेफ्ट ऑफ ए कह रहा है, तो ए के लेफ्ट में इधर होंगे, अब तो ई कन्फर्म हो गया कि यही हो गया, एक बचा हुआ है डी, तो बस डी जो लास्ट में बचा हुआ पांचवी आदमी था तो डी वहां बैठ गया। तो अब पूछा जाएगा, अब इसी पर तीन या चार पांच क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि पूछा जाएगा कि लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पर कौन है, लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पर कौन है, तो लेफ्ट से मतलब इधर पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा चौथा पोजिशन पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर पूछा जा सकता है इमीडिएट कॉर्नर पर कौन है, कॉर्नर पर कौन कौन बैठा हुआ, तो कॉर्नर पर कौन कौन बैठा हुआ, तो कॉर्नर पर या तो बी बी एंड कौन है डी, कॉर्नर तो दो होगा तो यहाँ बी और क्या है डी, बात समझ गए। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अरेंज करना है, जवाब देने हैं। अब देखिए ना, एग्जांपल के रूप में या स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। जैसे कहा जाता है सिक्स फ्रेंड है सिटिंग इन अ टू रूम, या कहता है सिक्स फ्लैट है किसी फ्लोर पर दो रूम है, ठीक है, या रोड के दोनों साइड में सिक्स हाउसेस हैं दो, तो सिक्स जैसे ही कह रहा है तो ये दो रो में कह रहा है, तो दो रो का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, ठीक है, थ्री थ्री इधर और थ्री क्या हो जाएगा उधर हो जाएंगे। तब यहाँ पर बात होगा, जब ये बात ऐसे हो रहे हैं तो ये कॉर्नर, इसमें शब्दों का इस्तेमाल होगा डायगोनली, डायगोनल अपोजिट, तो डायगोनल अपोजिट तो डायगोनल स्क्वायर से बने या रेक्टेंगल से बने, डायगोनल दो होगा, ये क्या कहला जाएगा डायगोनल, ये डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल होगा तो ये क्या कहलाएंगे डायगोनल, यही कहा जाता है, एक ये डायगोनल हुआ दूसरा क्या हुआ ये डायगोनल, डायगोनल कॉर्नर। लेकिन ये डायगोनल नहीं कहे जाएंगे, ये वाला डायगोनल कहेगा तो नहीं होगा, ये वाला डायगोनल नहीं होगा, सिर्फ डायगोनल कौन होगा जो हम जानते हैं वही होगा। एग्जैक्ट अपोजिट नहीं भी कह रहा है तो फिर भी छह है तो एग्जैक्ट अपोजिट बैठेंगे, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में कभी कभी ये कह सकता है कि फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग हो जाएंगे या ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग हो जाएंगे, तो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग की डायरेक्शन की बात करता हो तो यहाँ पर क्या हो गया ईस्ट, इधर क्या हो गया आपका वेस्ट, सामने क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, तो ये नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग प्रेस्ट हो जाएगा। तो ये वाले का फेसिंग क्या कहलाएगा नॉर्थ कहलाएंगे, ये वाले का फेसिंग इधर जो फेस किया हुआ है क्या फेसिंग हो जाएगा साउथ फेसिंग हो जाएंगे, बात समझ रहा है। फिर क्या होगा, बस इसमें अगर नॉर्थ साउथ कह रहा है तो ऐसे कर लेंगे, नॉर्थ वाला का फेसिंग उधर है, साउथ वाले का फेसिंग इस साइड है। फिर उसी प्रकार बात ये होता है क्या,
अब बात होता है क्या, जैसे कहा जाता है कि स्क्वायर, अब इसी को कह के स्क्वायर टेबल पर बैठ कर, डाइनिंग टेबल पर बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, चार होंगे तो चार को ऐसे बैठाएंगे, अगर आठ होंगे तो दो यहाँ दो यहाँ दो इस साइड, ठीक है, फेसिंग फेसिंग टू ईच अदर कह देगा, फेसिंग टू ईच अदर कहेगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, इसका इसका राइट इधर हो गया, इसका लेफ्ट क्या हो गया, इधर हो गया। लेकिन यहाँ पर होगा तो यहाँ फेस के, अपने फेस के अकॉर्डिंगली इसको समझेंगे तो इधर वाले का क्या हो जाएगा, राइट, और इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो अपना जहां पर कन्फ्यूजन हो, समझो कि हम वहां बैठे हुए हैं, तो आपका जो राइट होगा वो राइट कहलाएगा, आपका जो लेफ्ट होगा लेफ्ट, जब सर्कल में बैठे हो या स्क्वायर में बैठे हो, रेक्टेंगल में बैठे हो। फिर अधिकतर बात हमने क्वेश्चन में देखा या आपने भी देखा होगा कि कहता है कि फाइव मिनिमम फाइव रहते हैं, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिटिंग द सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, अगर पांच है तो चार को यहाँ बैठा दिए, एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, पांचवा जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा बैठ जाएगा, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर फेस करके बैठेगा, तभी सभी सेंटर के फेस बिल्कुल उसी पर के, इस बिल्कुल इसी के जैसा हो जाएगा, लेफ्ट किधर होंगे राइट किधर होंगे, तो यहाँ जो बैठा है उसका क्या होगा, राइट इधर होंगे, यहाँ जो बैठा है उसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। अगर यहाँ कोई बैठा है तो इधर क्या हो जाएगा, राइट, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ गया? जब जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में कहता है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, फाइव स्टूडेंट सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, तो यहाँ पर कर दिया फेसिंग टू द सेंटर, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। अब बी इज नेवर ऑफ ए एंड ई, बी कहता है ए और ई का पड़ोसी है, तो ए यहाँ हो सकते हैं, ई यहाँ, ए यहाँ भी हो सकते हैं, ई यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। और सी इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में सेकेंड पोजिशन पर सी है। अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो ए के राइट में सेकेंड पोजिशन पर सी को यहाँ रख सकते हैं हम, ठीक है। तो या ठीक है, फिर ए के राइट में, तो ए का राइट, अगर ए को यहाँ बैठाते हैं तो ए का राइट में तो इधर वन और टू ई बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके कोई बात नहीं। अब देखो ना, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, ओ ओके, ए बी सी डी ई है, तो कह रहा है कि बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज नेबर ऑफ ए एंड ई, तो ए और ई दोनों में से कहीं इसी स्थान पर, किसी स्थान पर हो सकता है। अब कह रहा है कि सी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए को अगर यहाँ बैठाते हैं तो राइट में फर्स्ट ये हो जाता, सेकंड ये हो जाता, यहाँ तो ई बैठेगा नहीं, तो ए